साल 1990 में यूपी के जौनपुर जिले में हड़कंप मचा हुआ था। शहर के जूनियर हाई स्कूल में एक टीचर का मर्डर हुआ था और आरोप उसी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं के स्टूडेंट पे था, लेकिन सबूत नहीं मिले। 2 साल गुजरे और 12वीं में लड़का पहुंचा, पुलिस आई, उसे गिरफ्तार कर ले गई। इस बार आरोप लगा कि इसने एक युवक की हत्या की है। उस लड़के ने 12वीं के 3 पेपर हथकड़ी पहन के दिए थे। अभी 14 फरवरी 2022 तक वो लड़का पुलिस के रिकॉर्ड में एक इनामी 25,000 रुपये का और फरार अपराधी था। लेकिन 2 दिन में कुछ ऐसा हुआ कि 17 फरवरी को उसने जौनपुर की मल्हानी सीट से विधायकी का पर्चा दाखिल किया। आज बाहुबलियों की कहानी में हम सुना रहे हैं जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह की कहानी। धनंजय ने पुलिस के हिरासत में 12वीं के पेपर जरूर दिए थे, लेकिन रिजल्ट आते आते वो आरोप हट गए थे। क्यों? क्योंकि पुलिस को सबूत नहीं मिले थे। आगे की पढ़ाई करने के लिए लड़का लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा। वहां पे उसे दोस्त बने अभय सिंह, बबलू सिंह और दयाशंकर सिंह। इनमें कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन चारों मिलकर एलयू में ठाकुरवादी वर्चस्व कायम कर रहे थे। दबंगई इतनी बढ़ गई कि इस गुट ने रेलवे के ठेके दिलाने शुरू कर दिए। जिसे ठेका मिलता उससे ये गुंडा टैक्स वसूलते थे। उसी समय लखनऊ में एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे, गोपाल शरण श्रीवास्तव। वो अपने आप को सरकारी गुंडा समझते थे और धनंजय ग्रुप को गुंडा टैक्स देने से मना किया करते थे। साल 1997 में गर्मियों का दिन था। गोपाल अपनी मारुति 800 कार से ऑफिस जा रहे थे। सामने से 2 बाइक सवार आए और उन्हें गोली मार के चले गए। नाम आया धनंजय सिंह का। यह धनंजय सिंह के ऊपर इस तरह का 12वां मुकदमा था, लेकिन धनंजय सिंह फरार हो गए। पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम रखा पर पकड़ नहीं पाई। 17 अक्टूबर 1998, पुलिस को किसी ने बताया कि आज भदोही मिर्जापुर रोड पर जो पेट्रोल पंप है उस पर लूट होने वाली है। पुलिस पेट्रोल पंप पे पहुंची, 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया, कहा कि धनंजय सिंह को हमने मार दिया है। यानी पुलिस के रिकॉर्ड में धनंजय सिंह मर चुके थे। लेकिन 4 महीने बाद फरवरी 1999 में धनंजय सिंह अपने इलाके में गिल्ली डंडा खेलते हुए नजर आए। फिर इनकाउंटर में मरा कौन था, इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट मिलती है। उसके अनुसार मरने वाला ओम प्रकाश यादव था। ओम प्रकाश यादव सपा के कार्यकर्ता थे। उस वक्त सपा विपक्ष में थी और मुलायम सिंह यादव ने भाजपा के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल रखा था। ओम प्रकाश उसमें आगे आगे चलते थे। यानी पुलिस ने फर्जी इनकाउंटर में ओम प्रकाश को मार दिया था। ह्यूमन राइट्स की कमीशन बैठी, जांच में पता चला कि ये फर्जी इनकाउंटर है। इसके बाद 34 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। यहां तक धनंजय को खुद को बचाने के लिए राजनीति का सहारा नहीं लेना पड़ा था। लेकिन 2001 में एक अजीब घटना घटी। जौनपुर के बाहुबली नेता विनोद नाटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और धनंजय के लिए सही मौका आ गया राजनीति में कूदने का। उन्होंने 2002 में रारी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। 2007 के चुनाव में धनंजय सिंह निषाद पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, जीत गए। 2008 में पार्टी छोड़कर बसपा में चले गए। मायावती ने भरोसा जताया और 2009 में जौनपुर लोकसभा प्रत्याशी बना दिया। यहां भी वह जीत गए, लेकिन वो जीत उनकी आखिरी जीत बनी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मायावती से ही टक्कर लेना शुरू कर दिया। साल 2011 में मायावती ने उनको पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद 2014 में लोकसभा, 2017 में विधानसभा, 2020 में फिर से विधानसभा उपचुनाव धनंजय लड़ते रहे और हारते रहे। लेकिन उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा नहीं हटाई गई, जो उन्हें 2009 में सांसद बनने पर मिली थी। 4 पुलिस वालों के साथ चलते रहे। इसके बाद भी 2018 में कोर्ट में एक याचिका दायर हुई तो योगी सरकार बैकफुट पे आ गई। 25 मई 2018 को जब सरकारी वकील यानी सॉलिसिटर जनरल को तलब किया गया, तब जाकर के सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई। जुलाई 2018 में बागपत जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई। मुन्ना की पत्नी ने कहा कि धनंजय ने ये काम किया है। 5 जनवरी 2021 को लखनऊ के गोमती नगर में अजीत सिंह उर्फ लंगड़ा की गोली मारकर हत्या की गई। अजीत सिंह की भी हत्या होने के बाद कहा गया कि ये काम धनंजय सिंह का है। इसी के बाद से धनंजय फरार हो गए। पुलिस ने इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया, गैर जमानती वारंट काटा, लेकिन पकड़ नहीं पाई। कहने को तो धनंजय सिंह फरार थे, पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही थी, लेकिन मामला ऐसा था नहीं, क्योंकि वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए नजर आते थे। 4 जनवरी 2022 को वो सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच में आकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। अभी बीती 15 फरवरी को ही एसटीएफ ने धनंजय को गैर जमानती धाराओं से हटाकर जमानती धाराओं के अंदर आरोपी बनाया, जिसके बाद धनंजय को जमानत लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी और उन्होंने 17 फरवरी को जाकर नामांकन दाखिल किया। धनंजय अब खुलकर प्रचार कर रहे हैं। अपराध की लंबी लिस्ट होने के बावजूद जनता के बीच लोकप्रिय हैं। घर पर सुबह शाम भीड़ लगी रहती है। अब 10 मार्च को उनकी किस्मत का फैसला होगा। 10 मार्च से याद आया कि यूपी के रिजल्ट की सबसे तेज कवरेज के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए अभी से दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।